हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल एपीएन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, जैसा कि आपको पता है कि इस समय हमारे यहाँ सीमा पर काफ़ी तनाव चल रहा है, ठीक है, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि युवा जो हैं प्रत्यक्ष रूप से देश की सेवा कैसे कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे बढ़िया मौका आपके पास 12th के बाद है, जो कि आपको देता है NDA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा अकेडमी और नवल अकेडमी का एग्जामिनेशन। दोस्तों, आज मैं आपको पूरी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, कैसे आप NDA को ज्वाइन करें, कैसे आप NDA में जाएं और क्या क्या आपको इसके लिए करना होगा और आपको एक फौजी बनने के लिए क्या करना चाहिए, यह मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों अपने इस वीडियो में। तो आप एकदम अंत तक बने रहिएगा वीडियो में और मैं आज आपको पूरा क्लियर कर दूंगा कैसे आप जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं NDA है क्या। दोस्तों देखिए, इस एग्जामिनेशन को UPSC कराती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि साल में इसको 2 बार इस एग्जाम को कराती है। एक आपका अप्रैल में होता है और एक आपका सितंबर में होता है। दोस्तों, जो एग्जाम अप्रैल में होता है उसको बोलते हैं NDA 1 और जिसको जो सितंबर में होता है उसको बोलते हैं NDA 2 का एग्जाम। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, भारत का कोई भी नागरिक जिन्होंने 12 यानी क्लास 12th पास की हुई है, ठीक है, 10+2 इक्विवेलेंट किया हुआ है, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। और दोस्तों, NDA की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें आपको परसेंटेज का कोई भार नहीं होता है, यानी आपको बहुत तेज लड़का होना भी इसमें जरूरी नहीं है। दोस्तों, एक मध्यम बच्चा भी इस पेपर को दे सकता है दोस्तों। और मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप NDA को ज्वाइन करें और आपको जान करके खुशी होगी कि मैंने खुद इस एग्जाम को दिया हुआ है, मैंने इसकी खूब तैयारी की हुई है, मैंने इसका एग्जाम क्वालिफाई भी किया हुआ है दोस्तों। तो मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी आज बताने वाला हूँ कैसे आप NDA में अपने लक्ष्य को पा सकें। दोस्तों, अगर आप प्रत्यक्ष रूप से आप देश सेवा करना चाहते हैं तो इससे बढ़िया जॉब पूरे इंडिया में, ठीक है, इसको आप जॉब नहीं, इसको एक आप फर्ज, अपने वतन के प्रति अपने फर्ज को आप अदा कर सकते हैं। तो देखिए, आपको करना क्या है, सबसे पहले अभी आप 12th में है, जो बच्चे भी 12th में है या जो 12th पास कर चुके हैं, सबसे पहले आते हैं उम्र सीमा पे। तो 16.5 से 19 साल आपकी उम्र होनी चाहिए इस एग्जाम को देने के लिए। प्रतिशत का कोई इसमें वो नहीं है, परसेंटेज आप बस 12th पास रहिए, चाहे आप 33% से हो, चाहे आप 92% से हो, सबकी नजर में आप बराबर हैं दोस्तों। तो इसमें परसेंटेज की कोई बाध्यता नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की। 10+2 से आप पास रहिए। देखिए, 3 विंग में आप जा सकते हैं, वायुसेना में, थल सेना में और जल सेना में, ठीक है, नौसेना में। तो सबसे पहले अगर आपको थल सेना में जाना है तो केवल आप 10+2 पास रहिए। आप चाहे कॉमर्स से रहिए, चाहे साइंस से रहिए, चाहे आर्ट से रहिए। अगर आपको एयरफोर्स और नेवी ज्वाइन करना है तो आपको 10+2 विथ फिजिक्स एंड मैथ्स होना चाहिए, यानी कि आप 12th में मैथ साइंस के स्टूडेंट हों, ठीक है, साइंस आपका सब्जेक्ट हो, फिजिक्स और मैथमेटिक्स, ठीक है। अब सबसे पहले बात होती है, ठीक है, कि इसमें आपको सिलेबस क्या है, क्या आपको पढ़ना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला जो पेपर होता है वो आपका होता है मैथमेटिक्स का, जो कि 300 मार्क्स का होता है, ठीक है, आपका 300 मार्क्स का होगा। 120 क्वेश्चंस होते हैं, 2.5 मार्क्स आपको मिलते हैं एक करेक्ट आंसर के लिए, ठीक है, और आपका 1/3 आपका इसमें निगेटिव मार्किंग दोस्तों होती है। अब आते हैं जनरल अवेयरनेस के पेपर पर, जो कि आपका 600 नंबर का होता है। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, इसमें 200 नंबर का आपका इंग्लिश का पेपर होता है, ठीक है, जिसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं, और बाकी जो क्वेश्चंस आपके होते हैं दोस्तों, ठीक है, वो आपके जनरल अवेयरनेस के होते हैं। इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सभी सब्जेक्ट इसमें दोस्तों आपके आते हैं। करंट अफेयर्स, इसमें आपको बहुत बढ़िया जानकारी होनी चाहिए। एक बात दोस्तों ध्यान रखिए, इसमें सबसे बड़ी इस एग्जाम का ड्रॉबैक आप कह सकते हैं, या इस एग्जाम को आप ऐसा कह सकते हैं कि इसमें इंग्लिश की जो महत्वता होती है बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो लड़के इंग्लिश में जो पास होते हैं उन्हीं की पूरा पेपर वहां पर चेक किया जाता है, ठीक है। अगर आप इंग्लिश में पास नहीं होंगे तो आपका जो NDA का पेपर है, मैथमेटिक्स का पेपर चेक नहीं किया जाएगा। सबसे बड़ा लिमिटेशन ये है, आपको बताया नहीं जाता, लेकिन मैं आपको इस चीज को बता दे रहा हूं कि आपको इंग्लिश में पास होना अति आवश्यक है दोस्तों, ठीक है। अगर आप इंग्लिश में पास हैं, अगर आप 200 मार्क्स में से मान के चलिए आप 40% मार्क्स स्कोर कर रहे हैं या 30% मार्क्स भी, तब आपका पेपर चेक होगा और आप मेरिट में आएंगे दोस्तों। एक बात ध्यान दीजिए, कुल पेपर आपका 300 नंबर का मैथ्स होता है, जिसमें आपको 2.5 घंटे मिलते हैं। 600 नंबर का आपका जनरल एबिलिटी का टेस्ट होता है, जिसमें मैंने बता दिया सभी सब्जेक्ट्स आपके आते हैं, करंट अफेयर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री। और एक बात ध्यान दीजिए, जो आपका साइंस का लेवल आता है दोस्तों, वो क्लास 10th लेवल का होता है। उसका कारण ये होता है कि इसमें आर्मी का भी पेपर होता है, यानी कि आप आर्मी में भी जा सकते हैं, और आर्मी वाले बच्चे जो होते हैं वो कॉमर्स साइड से भी आते हैं, आर्ट साइड से भी आते हैं, ठीक है। तो मेन NDA निकालने का तरीका देख लीजिए आप क्या है। मैथमेटिक्स अगर आपकी स्ट्रांग है तो आप NDA को बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं, 300 मार्क्स में से आप उसमें से अच्छा नंबर उठा सकते हैं। UPSC का पेपर है तो आप जान रहे हैं कि इसका GS थोड़ा टफ होगा, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स आपको थोड़ा सा
टफ लगेगा यहाँ पर, पेपर थोड़ा टफ होता है, अच्छी स्टडी की डिमांड करता है। अगर आपके अंदर जुनून है, अगर आप देश सेवा करना चाहते हैं और फौज में जाना चाहते हैं, तो आप एकदम इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। जैसा मैंने आपको बताया कि इंग्लिश में पास होना कंपलसरी है दोस्तों, एनडीए की सबसे अच्छी बात यही है कि आपको इंग्लिश में पास होना बहुत जरूरी है, और इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको आगे के स्टेजेस में फायदा करता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कट ऑफ की। तो देखिए 900 मार्क्स का होता है, मैक्सिमम कट ऑफ जाती है इसकी 400, 450, 420। आपको लोग बताएंगे इतना कट ऑफ गए, इतना कट ऑफ गए, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। मैंने खुद इस एग्जाम को दिया है, मैं जान रहा हूँ कट ऑफ बहुत कम जाती है। मेन देखिए बात क्या होती है कि इसमें लड़के ज्यादा होते हैं और इसमें इंग्लिश की वजह से काफी लड़के बाहर हो जाते हैं। तो इंग्लिश सुधारने का एक तरीका है कि आप नए नए वर्ड्स को सीखिए, पैराग्राफ्स को पढ़िए, और बहुत ही इजी पेपर आता है एनडीए का, आप निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। मैथमेटिक्स आपकी स्ट्रांग रहेगी, इंग्लिश पे आपकी पकड़ रहेगी, तो आप एनडीए को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। आप अपने सपने को साकार कर सकते हैं, बहुत अच्छी जॉब है और क्लास 12 के बाद एक प्रेस्टिजियस जॉब है। इसको करने के बाद देखिए होता क्या है, आप रिटेन देंगे, फिर आपको एक 5 दिन का इंटरव्यू देना होता है। इसको देने के बाद आप एनडीए में जाते हैं, जो कि खड़गवासला पुणे में स्थित है। जो बच्चे आर्मी लेते हैं वो IMA में आ जाते हैं, जो बच्चे नेवी अडॉप्ट करते हैं वो INA में आते हैं यानी इंडियन नेवल एकेडमी में, जो बच्चे वायुसेना लेते हैं, एयरफोर्स लेते हैं, वो एयरफोर्स एकेडमी में जाकर के ज्वाइन हो जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको इंटरव्यू की वीडियो चाहिए होगी, कैसे इंटरव्यू होता है, क्या क्या